Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पे। दोस्तों गुड इवनिंग, सबसे पहले आपको कहना था तो गुड इवनिंग। और एक बात दोस्तों, आज चूंकि हम लोग एक त्योहारों के मौसम में मिल रहे हैं, एक त्योहार के दिन मिल रहे हैं, तो दोस्तों मैं भी आज नहीं चाहूंगा कि आप अपने इंजॉय को कम करें, इसलिए आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। कारण भैया, आज हम लोग का दशहरा है, आज हम लोग का त्योहार है, वो सीजन पूरा चल रहा है, तो फिर क्यों ना हम लोग भी उसको उसी तरह से एंजॉय किया जाए। तो दोस्तों आज बस हम आप जुड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, लेकिन ये 15 मिनट भी आपके रेलवे के एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं जिसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। काफी रिसर्च करने के बाद यार मैंने ये पाया और ये मैंने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, जो रेलवे अक्सर घुमा घुमा के किसी न किसी, जैसे चंडीगढ़ आरआरबी या फिर आपका गोरखपुर या मालदा, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर आपका चेन्नई का पूछ ही दे रहा है। तो मैंने उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई कि ये कौन से क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एनटीपीसी में अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। वही 15 से 17 ऑटोबायोग्राफीज जीवनियां लेकर के आपके सामने आया हूं दोस्तों। एक ही स्लाइड है, पीडीएफ आप में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बारी बारी से बस उन लोगों को पढ़ के एक बार सुनाऊंगा। मात्र 15 से 20 मिनट जुड़े रहना दोस्तों, और आपको त्योहारों की हार्दिक बधाइयां यार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम, और इसमें वो 17 ऑटोबायोग्राफीज या फिर जीवनी जिसको पढ़ के आप एक नंबर पाने की पूरी क्षमता रखो। सर जरा पहला स्लाइड ला दिया जाए। बिल्कुल सर, ये देखिए पहला स्लाइड आ चुका है दोस्तों, जुड़े रहना। देखो अब एक साइड है अ फ्यू फेमस ऑटोबायोग्राफीज और दूसरे साइड है भैया उनको लिखने वाले। अब यहां पे देखो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। अब ये जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है दोस्तों, ये किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी जी का। अच्छा, ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, याद रखना। कई बार इनकी अन्य और कौन कौन सी है दोस्तों, तो नव जीवन, ये भी याद रखना है आपको, नव जीवन भी इन्हीं का है, यंग इंडिया भी इन्हीं का है। क्या चीज दोस्तों? यंग इंडिया। ये मैं रिवीजन राउंड भी ले रहा हूं, यंग इंडिया भी इन्हीं का है, तो हरिजन भी लिखा हुआ इन्हीं का है। और अभी अगर जगह बचा है तो यहां पे हिंद स्वराज भी लिख दे भाई, ताकि दोहराना भी हो जाए और इनकी ऑटो बायोग्राफी भी हो जाए। क्लियर है दोस्तों? नव जीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज, ये सब किसके? महात्मा गांधी द्वारा लिखे, और इनकी ऑटो बायोग्राफी का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किसका है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी जी का। अगला दोस्तों आप इस क्रम में देख रहे हो, भारत की उड़न परी पीटी उषा जी का। इनको भारत की उड़न परी कहा गया दोस्तों, हाल ही में ये करंट में बहुत चर्चा में रही, और इन्हें इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। तो याद रखना पीटी उषा जी की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। अगला जो है पंडित रविशंकर भैया, हमारे देश में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त ये पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या लिखा है? माई म्यूजिक माई लाइफ। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो हम लोग याद रखेंगे पंडित रविशंकर जी की। अगला है एन ऑटोबायोग्राफी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? एन ऑटोबायोग्राफी। और अगले इसी क्रम में कौन है? सुनील गावस्कर साहब, क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक, भारत को गौरव दिलाने वाले, और इन्होंने जो लिखा है उसका नाम क्या है? सनी डेज। दोहराते रहो दोस्तों, जुड़े रहो दोस्तों, क्लियर है? देख लेना इन्हीं ऑटोबायोग्राफीज में से एक क्वेश्चन किसी न किसी आरआरबी में, किसी न किसी रेलवे के पेपर में रहेगा जरूर। और यहां पे माई लाइफ माई टाइम एंड टाइम्स किसका है दोस्तों? वीवी गिरी जी का, जो भारत के गणमान्य पोस्टों पर आसीन रहे, वेंकट गिरी जी का माई लाइफ एंड टाइम्स। माई ओन बॉसवेल मेमोरीज, ये किसका है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला का। और इनके बारे में तो आप जानते ही हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये रहे हैं। क्या रहे हैं?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो क्या बने हैं, भारत के चीफ जस्टिस भी बने, मतलब सॉरी भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, एम हिदायतुल्ला जी। क्लियर है मेरे दोस्तों। उसके बाद नीरज सिंह चौधरी साहब, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये जो इनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन दोस्तों, ये क्या है, नीरज सिंह चौधरी बहुत बड़े लेखक, समाज सुधारक और चिंतक हैं, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। माय प्रेसिडेंशियल ईयर, आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए दोस्तों, सॉरी राष्ट्रपति, हमारे देश के क्या हुए, ये राष्ट्रपति साहब हुए, और इन्होंने अपने पूरी जीवनी को किसमें लिख दिया है, माय प्रेसिडेंशियल ईयर में। तो माय प्रेसिडेंशियल ईयर किसकी जीवनी है दोस्तों, आर वेंकट रमन की। उसके बाद माय रेमिनिसेंस, आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है दोस्तों, माय रेमिनिसेंस। जल्दी किसी को ये ध्यान ही नहीं होता है। और इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों, यदि आपको याद हो तो जन गण मन, हमारे राष्ट्रगीत को भी लिखने वाले कौन हैं, जन गण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जान लो दोस्तों, 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था, जनगणमन गाया गया था। कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, कलकत्ता बैठक जो कांग्रेस की हुई थी दोस्तों, उसमें क्या गाया गया था, जनगणमन। और अगर आपसे यही पूछ दे कि जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित विशन नारायण धर ने। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी लिखी हुई है, माय रेमिनिसेंस। अच्छा सलीम अली, अगले कौन है भैया, सलीम अली। अब ये जो सलीम अली साहब हैं, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। एक बीच में मूवी आई थी ना अक्षय कुमार और रजनीकांत जी की, तो याद करिए जरा, उसमें बर्ड मैन ही विलेन के रोल में थे अक्षय कुमार जी। सलीम अली का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, मतलब इनको क्या कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके नाम पे दोस्तों बहुत सारे नेशनल पार्क हैं सलीम अली जी के नाम पे, और इनके नाम पे बहुत पक्षी का ही नाम सलीम अली के नाम पे रख दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। माई डेज, माई मालगुडी डेज, माई डेज आर के नारायणन, आर के नारायण भारत के राष्ट्रपति में से एक रहे दोस्तों, इनका माई डेज बहुत फेमस आत्मकथा है। रोज इन दिसंबर, एमसी चांगला, एमसी चांगला जी भारतीय संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और रोज इन दिसंबर, रोजेज इन दिसंबर इनकी है। अब तो आ जाते हैं पीवी नरसिंहा राव, इनको डीमोनिटाइजेशन 1992 दोस्तों उसके लिए याद किया जाता है, मुद्रा के लिए इनको याद किया जाता है। 1992 में पीवी नरसिंहा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसी 1992 में याद करो तो 73rd और 74th क्या हुआ था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर रहेगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके द्वारा क्या जुड़ा था, पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है मेरे दोस्तों, पीवी नरसिंहा राव, इनका क्या है, द इनसाइडर। उसके बाद है ए के नायर साहब, जिनका है माई स्ट्रगल, माई स्ट्रगल ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ए के नायर। याद रखना दोस्तों, ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर दोहरा दोहरा करके रेलवे पूछ देता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है और रट जाना है इसको। आज बस 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन उस 15 मिनट में 15 से 17 ऑटोबायोग्राफीज जो आपको एक नंबर दिला दें। और हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको अड्डा 247 और एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लेक्चर को लाइक करना नहीं भूलना है। अच्छा माई स्ट्रगल से याद आया दोस्तों, एक और है माई स्ट्रगल से, वो आप क्या बता सकते हो कि मेरा संघर्ष, ये एक और लोगों की जीवनी का नाम है, और वो किसकी है, माई कैंप के नाम से भी वो फेमस है, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर की जो जीवनी है दोस्तों, उसको भी हिंदी में हम मेरा संघर्ष और इंग्लिश में क्या कहते हैं, माई कैंप कहते हैं, याद रखिएगा। और अपने देश के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन कपिल देव साहब, इनका क्या था, बाई गॉड ग्रेस, इनकी जीवनी का नाम क्या है, बाय गॉड ग्रेस। आप ईमानदारी से बताओ, क्या आप जानते थे कि बाय गॉड ग्रेस कपिल देव साहब के जीवनी का नाम है, यदि हाँ तो भैया ठीक है, यदि ना तो आज से जान जाओ ना। तो ये रहा आज के लिए आपका डोज, सिर्फ मात्र 16 से 17 ऐसे ऑटोबायोग्राफीज जो आपको एक नंबर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में कंफर्म दिला दें। तो दोस्तों आज इन्हीं शब्दों के साथ आपको त्योहार का हार्दिक बधाई देते हुए मैं जल्दी फ्री करना चाहूंगा। साहब हमको स्क्रीन पे लेते आया जाए कंप्यूटर साहब, ताकि मैं अपने दोस्तों को जरा देख तो सकूं, उन्हें विस्त कर सकूं।
तो सर अब चलिए, कंप्यूटर जी शायद मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे, तो कोई बात नहीं भाई, मेरी आवाज तो आप तक पहुंच ही रही है। और यहां मैं लास्ट टाइम आपको आज के दिन विश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम लोग और भी अच्छे तरीके से पढ़े और अपने भविष्य को क्या करें, उज्जवल करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, शाम 7 से 8, और हाँ उसमें हम लोग जुड़ेंगे हिस्ट्री के लिए, गुप्त वंश के लिए, मौर्य वंश के लिए और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, एंजॉय योर डे एंड नाइट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।